नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारा टीवी पर। दोस्तों, एक बार मैं आप सबके बीच फिर से हाजिर हूँ 90s के दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले सीरियल्स के ऊपर वीडियो लेकर। काफी दिनों से आप में से बहुत से दर्शकों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि अलिफ लैला में सिंधवाद का रोल प्ले करने वाले एक्टर के बारे में भी बताया जाए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बॉलीवुड के एक बेहद ही प्रतिभाशाली चरित्र अभिनेता की कहानी, जिन्हें आपने रामानंद सागर के टीवी सीरियल श्री कृष्णा में नंद बाबा के किरदार में देखा होगा, तो वहीं अलिफ लैला में तलवार सुलेमानी के साथ सिंधवाद के रूप में भी देखा होगा। इनका नाम है शाहनवाज प्रधान। जन्म हुआ इनका 6 दिसंबर 1963 को उड़ीसा के राजखरिहार में। शाहनवाज जी अपने माता पिता की इकलौती संतान है। इनके पिताजी एक किसान थे और राजखरिहार में खेती बाड़ी का काम किया करते थे। इनके पिताजी को इनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर काफी चिंता थी। 1971 में इनके पिताजी अपने पूरे परिवार के साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर चले आए, जो कि उस समय मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान का शौक ही उसकी मंजिलें तय करता है। शाहनवाज जी को भी अभिनय का शौक चढ़ गया था। जब ये छोटे थे तो अपने स्कूल में होने वाले नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, अभिनय का जुनून इनके सर चढ़कर बोलने लगा था। हर बाप की तरह इनके पिताजी भी चाहते थे कि मेरा बेटा भी पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करे, लेकिन बेटे को तो एक्टिंग का कीड़ा लग चुका था। ये अपने कॉलेज के थिएटर ग्रुप से जुड़े रहे। 1984 में हबीब तनवीर साहब, जो कि भारतीय नाट्य जगत के स्तंभ रहे, वो शाहनवाज जी के कॉलेज रविशंकर यूनिवर्सिटी में एक साल के लिए विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर रायपुर आए। हबीब जी ने जब कला के प्रति इनका लगाव देखा तो उन्होंने शाहनवाज जी को अपने वर्कशॉप में छोटा मोटा काम देने की बात कही। शाहनवाज जी भी मान गए। शाहनवाज जी का पहला बड़ा रंगमंची नाटक धर्मवीर भारती द्वारा लिखित अंधा युग था। इसमें इन्होंने प्रहरी 2 का किरदार निभाया था। ये धीरे धीरे अपने सपने के साथ बड़े हो रहे थे, तभी कुछ ऐसा वाक्या हुआ जिसने इनके जीवन में भारी उथल पुथल मचाई। 1984 में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया। मात्र 21 साल में ही सर से पिता का साया उड़ जाने से ये अंदर से टूट चुके थे, लेकिन उन परिस्थितियों में भी इन्होंने अपने अंदर के एक्टिंग के जुनून को कम नहीं होने दिया। पिताजी की मौत के बाद इनके सामने 2 रास्ते थे, या तो ये नौकरी करते या फिर अपने ओडिशा के पुश्तैनी कार्य खेती बाड़ी को संभालते, लेकिन इन्होंने पीछे मुड़कर देखना मुनासिब नहीं समझा। इनकी इस परिस्थिति को देखते हुए हबीब तनवीर साहब ने इनसे कहा कि क्यों ना तुम मेरे प्रोफेशनल ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इससे तुम्हें कुछ पैसे भी मिल जाया करेंगे। नवाज जी उनकी बात मान गए, उनके साथ काम करने लगे। बाद में इन्होंने सोचा कि क्यों ना मुंबई चलकर फिल्मों में हाथ आजमाया जाए। उस समय मुंबई में इनकी मौसी जी रहा करती थी। इन्होंने अपनी माँ और हबीब तनवीर साहब से मुंबई जाने की इजाजत मांगी। पहले तो हबीब तनवीर साहब इन्हें मुंबई जाने से रोकने लगे, लेकिन बाद में उनको इनकी जिद के आगे नतमस्तक होना पड़ा। इसके बाद शाहनवाज जी मुंबई अपने मौसी के यहाँ चले आए। फिर यहीं से माया नगरी में इनके संघर्ष का दौर शुरू हुआ। इन्हें बाद में समझ में आया कि माया नगरी में अपना सिक्का जमाना इतना आसान नहीं है, यहाँ तो लाखों मेरी तरह भटक रहे हैं। आखिर होते करते इन्हें कैमरे के सामने आने का पहला मौका मिला दूरदर्शन के सीरियल जनतंत्र में। इसके बाद और कई टीवी सीरियल्स में छोटे मोटे रोल करके इनकी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। इन्हें पहला बड़ा मौका मिला सागर आर्ट्स के बैनर तले रामानंद सागर के टीवी सीरियल श्री कृष्णा में, जिसमें इन्होंने नंद बाबा की भूमिका निभाई। तुझे समझना बहुत कठिन है रे, कभी कभी तो बिल्कुल अपना लगता है, बड़ा निकट लगता है, और कभी कभी इतनी दूर चला जाता है जैसे अपना कोई नहीं। इस किरदार ने इन्हें थोड़ी बहुत पहचान दिलाई। श्री कृष्णा सीरियल में इन्होंने 4 अलग अलग भूमिकाएं निभाई थी। 1994 में जब रामानंद सागर अलिफ लैला टीवी सीरियल बनाने लगे तो उन्होंने शाहनवाज जी को अली बाबा 40 चोर की कहानी में वेलन की भूमिका दी। हमारी रात तो खैरियत से गुजरेगी अली बाबा। अब तुम अपनी खैर मनाओ। अंधेरा भी पूरी तरह से हुआ नहीं। इंतजार, इंतजार। इनके इस किरदार को दर्शकों ने काफी सराहा। इसके बाद आगे के रास्ते इनके लिए खुलते गए। आने शुरू हुई सिंधबाद के 7 समुद्री सफर की, जिसमें इन्हें सिंधबाद की भूमिका निभाने का मौका मिला। अरे माँ जबीन शाहिदी,
तूने इस मलून शैतानी औरत की मौत का राज बताकर इन सब मासूम बच्चों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तेरा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। शुक्र तो अल्लाह का है जिसने तुझे यहाँ भेजकर हम सब की मदद की और हमने शैतान पर फतेह पाई। या अल्लाह, तू अपने हर बंदे को इतनी ताकत दे कि वो कभी शैतान के आगे सर न झुकाए और हमेशा शैतान को हराता रहे। आमीन। 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 बात का उनका यह किरदार दर्शकों को काफी पसंद आया, लोग इन्हें हीरो की तरह मानने लगे। अनवर जी बताते हैं कि सिंधवाद इनके जीवन का सबसे यादगार किरदार है। दिलचस्प बात यह है, श्री कृष्णा और अलिफ लैला सीरियल में शाहनवाज जी ने अपने किरदारों की डबिंग स्वयं की है। रामानंद सागर जल्दी किसी को ये मौका नहीं देते थे, लेकिन इन्होंने रामानंद सागर से हाथ पैर जोड़कर उन्हें इस बात के लिए राजी कर लिया था। हालांकि इसके लिए शाहनवाज जी को काफी मेहनत करनी पड़ती थी। वे सुबह 4 बजे ही उठकर रामानंद सागर की ऑफिस के लिए भागना पड़ता था और रात में कहीं 10 बजे जाकर इनको छुट्टी मिलती थी। इनकी इस मेहनत ने इनके करियर में एक नया अवसर पैदा किया। इन्हें हॉलीवुड के हिंदी डब फिल्मों और कार्टून शोज के लिए वॉइस डबिंग के ऑफर आने लगे। इन्होंने इस कार्य को भी पूरी शिद्दत के साथ किया। बात करें बड़े पर्दे की तो इनकी पहली फिल्म थी तुलसीदास, जिसमें इन्होंने राजा टोडरमल का किरदार निभाया। इसके अलावा इन्होंने और कई फिल्मों जैसे प्यार कोई खेल नहीं, ये दिल आशिकाना आदि में चरित्र भूमिकाएं निभाई। 2015 में आई फैंटम मूवी इनके फिल्मी करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई, जिसमें इन्होंने हाफिज सईद की भूमिका निभाई थी, जिसके चलते साल 2015 के वेस्ट विलेन के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया। 2017 में शाहरुख खान की रईस में भी नजर आए, नवाजुद्दीन की मंटो में भी काम किया। हाल ही में आई फिल्म हम चार इनकी सबसे लेटेस्ट बॉलीवुड फिल्म है। बाकी और कई फिल्में हैं जो रिलीज होने वाली हैं। 2018 में आई वेब सीरीज मिर्जापुर में इन्होंने एक करप्ट पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। शाहनवाज जी बताते हैं कि अलिफ लैला की सिंधबाद की भूमिका के बाद मिर्जापुर में उनके इस किरदार ने आज के दौर के युवाओं के दिलों में मेरी खास जगह बनाई है। बॉलीवुड के अलावा इन्होंने कई गुजराती फिल्मों में भी काम किया। शाहनवाज जी फिलहाल मिर्जापुर के आगामी सीजन की तैयारी कर रहे हैं। जल्द ही इनके एक बॉलीवुड फिल्म चक्की रिलीज होने वाली है जो कि राजनीतिक विषयों पर केंद्रित है। दोस्तों, शाहनवाज जी के जीवन की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करके इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाएं और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।